बड़ी दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जो अभी 14 तारीख को एग्ज़ाम होना है हरियाणा बोर्ड का, भिवानी बोर्ड का, और एक पेपर में जिसकी री थी, कंपार्टमेंट थी, उन सभी का मर्सी चांस था, उन सभी का एग्ज़ाम है 14 तारीख को, चाहे वो 10th क्लास है चाहे वो 12th क्लास है। तो एडमिट कार्ड के बारे में बार बार पूछा जा रहा था कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो फाइनली आपके लिए ये वीडियो है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है, ठीक है। और यदि आप किसी जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, तो आप प्ले स्टोर पर हमारे दो ऐप उपलब्ध हैं, नॉलेज टीवी देसी ताऊ और ऑनलाइन जॉब टेस्ट बाय KTDT। इनमें आपको हर रोज़ करंट अफेयर, लाइव टेस्ट, हरियाणा जी के सभी प्रकार की चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है, आपकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात बता देते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएंगे आपके, तो विद प्रूफ आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पूरक परीक्षाओं के एडमिट कार्ड 9 जुलाई से ऑनलाइन उपलब्ध, यानी कि आज के दिन एडमिट कार्ड, नहीं सॉरी, 9 जुलाई से आपके एडमिट कार्ड साइट पर आ जाएंगे, ठीक है। और 9 जुलाई को हो सकता है 10 बजे 11 बजे आपके साइट पर डाल दिए जाए, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है भिवानी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षा जुलाई 2018 से संबंधित परीक्षार्थी 9 जुलाई को ऑनलाइन अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षा जुलाई 2018 दिनांक 14 जुलाई 2018 को आयोजित की जा रही है, यानी कि 14 जुलाई को एग्ज़ाम होगा और जिसके एडमिट कार्ड 9 जुलाई को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होता वहाँ से, तो आप 11 जुलाई को बोर्ड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, यानी कि आप भिवानी बोर्ड में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब निकलेगा कैसे 9 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड, तो आपको क्या करना है दोस्तों, BSCH की वेबसाइट ओपन करनी है, भिवानी बोर्ड की साइट है BSEH.org.in, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये साइट ओपन करनी है दोस्तों, जो अभी आपकी स्क्रीन पर खुलेगी। तो अभी जो आपकी लाइनिंग चल रही है ना, इसके ऊपर ही एक लिंक और जनरेट हो जाएगा कि एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड होगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर 10th क्लास 12th क्लास मर्सी चांस कंपार्टमेंट, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही आप उस लिंक पर जाओगे, तो आपको एडमिट कार्ड का लिंक ओपन करते ही आपको इस प्रकार का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पुराना रोल नंबर डाल के, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च कर सकते हो, आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ऐसी वीडियो जो भिवानी बोर्ड से रिलेटेड होती है मैं इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ, तो आगे भी आपको हमारी ज़रूरत महसूस होती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।